जिस लड़की के बारे में बोल रहे हैं वो कौन है आपकी? वो मेरी अपनी बहन लगती। तो अब वो लड़की मुसलमान होके गैर के साथ में अगर प्यार करती है हाँ, तो आप उसके अंदर क्या रास्ता निकालना, क्या अच्छा समझ रहे हो बताओ मुझे, क्या करना चाहिए? बस ये हम ये बोल रहा हूँ कि मतलब कि आप ये रास्ता दें कि मतलब कि कभी निकाली करे तो मतलब कि मुसलमान से करे, हिंदू से क्यों करे, उनके उन लोग में हाँ मतलब तो निकालना या बोलो उन ना लोग को मुसलमान हराम। से कर भाई, ये जरूरी है तेरे को इसके लिए? दुनिया में आदमियों की यानी सब सब मर गए तेरे लिए, कोई नसीब में नहीं आ गए? नहीं है वो लड़की को बोलो मुसलमान से कर, और वो लड़के को पूछो कि भाई ये लड़की के लिए तेरे, ये लड़की मुसलमान है और हमारे में नहीं चलता है, इससे हम नहीं कर सकते। पर मतलब सब कुछ बता दिए, पर मतलब कि मतलब कि वो ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि करेंगे तो मतलब कि जब उससे करें नहीं करेंगे तो किसी से नहीं करेंगे। अब मत कर बोलना, कम से कम नस्ल उसकी इस हराम कुफर पे तो नहीं चलेगी। हाँ बात तो सही है। मूसा अलैहि सलाम वो सूरह कहफ पढ़े तुमने? सूरह कहफ कौन में सा? देखो, सूरह कहफ उसमें जब मूसा अलैहि सलाम खिजर अलैहि सलाम के साथ चले थे, खिजर अलैहि सलाम ने बच्चे को मार डाला बिना मतलब के, उसकी वजह क्या बताई? वजह क्या बताई? ये बच्चा आगे जाकर कुफर पे आमादा होता है और अपने माँ बाप से ही कुफर कराता, उसको वहां पे जान से मार दिया, ये वजह बताई थी ना? क्योंकि वो हिम्मत के तहत था, वो गैर का इल्म उनके पास था जो अल्लाह ने उनको दिया था, जितना अल्लाह ने उनको दिया था। अबे हमारे पास गैर का इल्म तो नहीं है, मगर हमको इतना तो मालूम है ना कि इसकी नस्ल जो है मुर्तद में चलेगी। और दूसरी बात, किसी को दीन से गाफिल करना, किसी को दीन से गाफिल करना कत्ल से बड़ा गुनाह है। हाँ तो वही ना वो मतलब लड़का, क्या। वो लड़का उसको दीन से गाफिल नहीं करा, लेकिन वो तो हो ही जाएगी ना ऑटोमेटिक, वजह तो बन रहा है ना हाँ दीन से गाफिल करने की। अब तुम ये हाँ बोलोगे कि मेरी बहन को जायज अमल होना चाहिए, ये उसका प्यार जो है वो उसने सोचे समझे, सोच समझ के नहीं की, बिना सोचे समझे की। अब तुम उसको अमली जामा पिलाना चाहते हो जायज का, तो तुम उसको मुसलमान बनने की तरतीब रखोगे? तो मुझे बताओ भाई, हमारे हमारी अभी ये नौबत आ गई हमारे मजहब की कि हमारी लड़कियां आगे करके हम इनको मुसलमान बनाएंगे? तो वही ना पूछो कितने मतलब दिन का आप मुसलमान आलम। रहेगा वो, कितने दिन का मुसलमान रहेगा वो? हाँ वही ना मतलब क्या फिर इस्लाम से भी ये फारिग हो जाएगा, मतलब अगर उनसे मतलब मान लीजिए अगर बच्चे उच्चे हो गए तो नहीं फिर चलो, हरामी नहीं चलो, कहला। तुम्हारी बहन की मोहब्बत में बन भी गया, मैं मान ली चलो बन गया, तुम्हारी बहन से इतनी मोहब्बत है कि वो मुसलमान बन गया, तो माँ बाप से मोहब्बत नहीं उसको उसके? है कैसे नहीं तो है। वो तो उसके माँ बाप के पास जाएगा तो क्या वो टोपी और नमाज करेगा वहाँ? नहीं उनके जैसा रहेगा ना, उनको उनको नाराज करेगा? मेरा मजहब हाँ सिखाता है कि माँ बाप की दिल आजारी करो, हाँ वही ना तो मैं कैसे बोलूंगी कि वो उसके माँ बाप की दिल आजारी करे, तो चाहे यही ना कोई मजहब मतलब का कि हो। तो लड़की मतलब यही ना है कि मतलब कि लड़की है जो माँ बाप को मतलब कि और कुछ उल्टा इस्लाम सीधा कुछ इस्लाम बोल देती है। इस्लाम का हुक्म क्या है? तुमने अगर अपने दीन के खिलाफ कुछ भी तुमने हरकत की, कोई भी अमल किया, तो तुम दीन से खारिज। अगर उसने शहादत दे दी, अरे हमारे मुसलमानों में फतवे लग रहे ना कि तू देखते नहीं हो कि वो उससे हार फूल किया, उसने मूर्ति रखा, कुफर के फतवे भेज रहे उनको, तो ये तो बचपन से करते आ रहा बंदा, क्या करवाओगे इससे तुम? फिर उसको तो सबको खुश रखना है, उसको दुनिया हासिल करनी है, आपकी बहन को हासिल करना है, तो वो आपकी बहन के बोलने पे मुसलमान बन भी जाएगा। उसके बाद उसको अपने माँ बाप को भी खुश रखना है, उसको दुनिया पूरी उसके तरीके से चाहिए जो उसको मिल सकती है, उसको मालूम है उसके थोड़े से खुलिया साजी से, उसकी थोड़े से जो थोड़ा सा यानी झुकने से और थोड़ा सा मान जाने से, तो उसमें फायदा तो उसका है, तुम्हारी बहन का क्या फायदा है, तुम्हारा क्या हाँ फायदा है? तो वही ना मतलब कि हम लोग इतने परेशान अपने गाँव में, लेकिन हम लोग मतलब कि हाँ कुछ भी। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ तुम्हारे, तुम ये बात मेरे पास जो बता रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी ये लड़का इस्लाम पे आए लड़की को देखकर, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। जो अल्लाह जो जो बंदा मुसलमान बनना चाहता है वो मेरे अल्लाह को देख के बने, मेरे अल्लाह की मोहब्बत में बने। हाँ बात तो सही। तुम्हारी बहन में कौन सा उसको दीन दिख गया, जो जिसको खुद खुद को नहीं दिखा अपना दीन उससे मोहब्बत करने के टाइम, उसको क्या दिखेगा तुम्हारी बहन में दीन? जिस लड़की को दे, जिस लड़की को खुद का दीन याद नहीं, वो इसको इस्लाम के तरीके सिखाएगी और इस्लाम पे रखाएगी, बाद में उसको याद रह जाएगा जिसको मैंने मुसलमान बनाई हूँ, और इसको पूरा मुसलमान बनाना मेरा काम फर्ज है। उसको ये नहीं मानता कि मेरा मजहब क्या हुक्म देता है, जब उसने आग लड़ाई थी, नैन मटक्का की थी, हराम रास्ते से जाके हलाल रास्ते पे आना आने वाला, ये मुझे बताओ बीज जो बोओगे आप उसमें मेहनत और मशक्कत आपकी कितनी बेहतरीन होने दो, उसका झाड़ वही निकलेगा जिसका बीज है, जो तुमने हेलो बीज लगाए। सही है, हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बोलिए, अब और कुछ बोलना है पूछना है? अरे भाई मुझे और भी काम है। हाँ बोलिए ना। क्या बोलूँ मैं, सब तो बोल दी मैंने। हाँ मैं तो चाय के बारे में बात करना। अरे आप कौन है लड़की के? मैं लड़की का डीजे हूँ। अभी लड़की का भाई बात कर रहा था, उसका हाँ, पता तो ही नहीं मुझे, मैंने सारी बात उसको बता चुकी हूँ। ऐसा अच्छा। नहीं होता है, लड़की अगर गलती कर चुकी है तो उसको उसको तुम जो है इस्लाम दीन के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, वो रास्ता लड़की लड़की छोड़ नहीं सकती, अल्लाह के लिए कुछ छोड़ नहीं सकती है, तो अल्लाह आप अपने मजहब को क्यों मजाक बना रहे हो, अपने बिल्कुल मजहब को क्यों उसके लिए आगे कर रहे हो? नहीं मेरा नहीं मजहब क्यों देगा, मेरे मजहब की कुर्बानी क्यों चाहिए भाई? लड़की ने कुर्बानी दे रहे अपने हराम मोहब्बत की, हाँ बताओ मुझे गलत है क्या? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही, आप समझा वो बहुत लड़की सवाल को, मार रहे हो। अब बोला नहीं तो ये बोला इसलिए खत्म, ये सब बोला, अल्लाह अल्लाह याद नहीं आया जिसको इस मोहब्बत में, उसने उसको अल्लाह याद रखवाने की ये कौन सी कामयाब कोशिश की रहेगी मुझे बताओ? लड़के को अल्लाह बिल्कुल याद बिल्कुल, रखवाएगी? आप जो बोल रहे हो आप सब सही बोल रहे हो, इसीलिए उनके माँ बाप ने मेरे यहाँ भेजे हैं, तो मैंने ये जिक्र लड़की को समझाने के लिए ही, अरे उनके माँ भाई बाप ने। लड़की के चेहरे के फूल के लिए, लड़की के लिए अल्लाह ने इस वक्त शादी रखी थी, और हलाल हराम दोनों अल्लाह सामने रखता है, तो हाँ उसका मालिक बनाया अल्लाह ने। अब शैतान ने उसको बिल्कुल हराम आगे कर रहा है तो इसको उससे रुकेगी, तब तो इसको हलाल दिखेगा, नहीं तो इसको हलाल कहाँ से दिखेगा? बिल्कुल सही है, नहीं तो उस राह पे ना चले, इसके वजह से इनके माँ बाप ने उतने दूर से मेरे यहाँ भेजे ना, आप उस राह पे ना इसलिए चले। गलती करना नहीं, लड़के को मुसलमान बनाने की। नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो उनके माँ बाप ने मेरे यहाँ भेजे ना मुसलमान अब। बन जाएगा लेकिन मुसलमान रहेगा, अगर इसकी गारंटी आप देते हो तो आप जरूर हाँ मुसलमान हाँ करो। नहीं तो ये बात मैंने लड़की को कल ही समझाया, परसों उसकी माँ। उस नालायक को हाँ बोलो उस लड़के के चक्कर में तुझे अल्लाह याद नहीं था, तेरे चक्कर में वो अल्लाह किसे नहीं याद रखेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो कान के नीचे बजाओ उसके पहले, बिल्कुल बोलना तेरे में इससे ऐसी क्या खूबी है जो तेरे को आगे करके मेरा मजहब, मेरे मजहब पे लोगों को मेरे मजहब पे लोगों को लाऊं? बिल्कुल ये हमारे मजहब की, ये हमारी मजहब की तौहीन है, हाँ औरतों को आगे करके हम किसी को मुसलमान बनाने की, ये अभी हमारी औकात आ गई है। हाँ लड़की को रोको ना, आप, बिल्कुल बिल्कुल कोई सही छोटी बात टोप है। नहीं है वो, जो उसको आ छोटी पापा भी नहीं है वो, जो उसको समझ नहीं रहा नहीं, नहीं और कोई इतनी बड़ी हाँ टोप हाँ भी नहीं है वो, क्योंकि वो एकदम आपके आगे चले जाएगी, बिल्कुल समझाओ मान जाएगी इंशाल्लाह। हम भी दुआ करेंगे उसके लिए, और मुझसे बात कराओ, बिल्कुल ठीक और है। चाहिए तो मैं ये आपकी जो मैंने जो बोली ना जितना कुछ, अगर आपने हाँ रिकॉर्डिंग करी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग करी आपको भेजती हूँ, लड़की को ये सुना दो। बिल्कुल ठीक है ना, मेरे देखो मोबाइल अल्लाह में का अजाब, रिकॉर्डिंग देखो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, तो आज तो ये बिल्कुल सब कुछ सही है, कर लेगी लेकिन आगे जाकर अल्लाह की जब लाठी, मैं सबसे बता दूँ सब घेरे में आएंगे तुम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मेरे में आए रिकॉर्डिंग नहीं है, आप भले भेज दीजिए, हाँ मैं मैं भेजती इंशाल्लाह हूँ, जरूर सुनाता हूँ ये इसको। भेजो उसके, उसको आँख खुलना ही चाहिए समझे, हाँ ठीक है और उसका ये भूत बिल्कुल उतारो, और वो लड़के को बोलो, बिल्कुल बोला बोला ये सब बोला अपनी दुनिया बनाने के लिए ना, हमारी बहन की आखिरत मत खराब कर। बिल्कुल हाँ हमको कोई शौक नहीं देखो मुसलमान बनाने का, और तू मुसलमान हमारी बहन को बनना देखकर बनने के लिए, क्योंकि शादी के लिए मुसलमान बनना चाहता है, तो माँ सलाम, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। कहाँ से, नागपुर से आप? हाँ बिल्कुल, नागपुर से हूँ, चलो ठीक है ना ना, मैं कामठी से। बिल्कुल आप मुझे इस व्हाट्सएप पे सलाम भेजो, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। ठीक है, नहीं चलिए चलो अल्लाह हाफिज़। अलग।